एंट्रेंस एग्जाम वैसे भी एक थप्पड़ है स्टूडेंट्स के मुंह पर, कितना भी पढ़ लो वो एक दिन वो एक पेपर डिसाइड करेगा आपकी पूरी लाइफ। और जिस देश में करोड़ों स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं और आप उनको कुछ हजार सीट दे रहे हैं, आप क्या डिजर्विंग झंडा लिए फिर रहे हैं? वो जो हजारों पास नहीं हो पाए वो क्या अनडिजर्विंग है? कल को आपकी सीटें बढ़ जाएंगी, वो ही अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स मेरिट वाले बन जाएंगे। उन्हें बना पाते हो आप कम्पीट करने लायक? क्या आप जानते हैं कि इन इंस्टीट्यूट्स की साल भर की फीस आम आदमी के पूरे लाइफ के प्रोविडेंट फंड के बराबर होती है? प्राइवेट स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही हैं और सरकारी स्कूल में तो पूरा पूरा साल टीचर अपॉइंट ही नहीं होता। मतलब बच्चे खुद पढ़े तो बढ़िया, वरना पकौड़े तो बेच लेंगे। सिस्टम लाखों की तादाद से रट्टू तोते पैदा कर रही है जिसका ना कोई बेस। आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? बीएफएफ। जब मैं संघ का काम करता था तब एक लक्ष्मण राव जी नामदार करके थे, वकील साहब हम कहते थे, जिनके जीवन पर मैंने किताब लिखी है सेतुबंध, तो मेरा मन करता था कभी कि मैं उनको कहूंगा कैसा हुआ। लेकिन मेरे जीवन का एक नियम है जो शायद आपके दर्शकों को भी काम आता है, जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए उसको पता नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में उसका वो स्थान है। आपके मन में अच्छा विचार आए तो भी बता दो, बुरा विचार आए तो भी बता दो, अच्छा हुआ तो भी बता दो, कुछ भी मत छुपाओ। एक व्यक्ति जीवन में होना चाहिए। पता मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? क्योंकि मुझे मशीनों से प्यार है, इंजीनियरिंग मेरा पैशन है। पैशन तेरा पैशन पता है क्या है? तेरा पैशन ये 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 ये। 5 साल पहले उसने ये खत लिखा था अपने फेवरेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को, वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहां होते। साला इश्क करता जानवरों से और शादी कर रहा मशीनों से।